दोस्तों, मैं हूं बिली सिंह। आज मैं आप लोगों को दिखाता हूं आम्रपाली का आम का जो पौधा होता है वो कैसा दिखता है, इसके पत्ते कैसे होते हैं, इसको शुरू से ट्रेंड कैसे करना है, अभी कैसे चलना है, कैसे इसकी ग्रोथ को चलाना है। आपने अभी ये फ्रूटिंग स्टेज में है, अभी हार्डली एक हफ्ता हुआ फ्रूट स्टेज में पहुँचे हुए। इसे इसके पत्ते देखें। सबसे पहले पत्ते दिखाता हूँ आप लोगों को, लंबे होते हैं काफ़ी, तकरीबन 9 से 10 इंचेस इसकी लेंथ होती है। और इसके ऊपर पैटर्न जो है वो भी आप देख लें, ये जो लाइंस हैं ऐसे साइड में निकली हुई, ये लाइट ग्रीनिश कलर में है, नियॉन कलर भी बोल सकते हैं। ऐसा पैटर्न होता है, ऐसे पहचान करनी है आप जब नर्सरी में जाएं। तो जो मैं वीडियो लगा रहा हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर फ़ोटो के साथ मैच कर सकते हैं। और फल जो है इसका गुच्छों में लगता है, जैसे लीची लगती है ना, वैसे इसका फल आता है। तो ये इसका फल आया हुआ है इसके ऊपर, और तकरीबन 2.5 वर्ष की इसकी आयु है इस पौधे की। और मोटापा आप देख लें, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तकरीबन मैंने इसको 2.5-3 फुट की ऊंचाई पर 3 ब्रांचेज में स्प्लिट किया है, जो फार्मूला होता है हाई डेंसिटी का। ना भी आपने हाई डेंसिटी में लगाना हो, तो अगर आपने थोड़े से भी लगाना है तब भी आपने शुरुआती स्टेज में ही इसको ऐसे चलाना है। 3 ब्रांचेज इसकी ऐसे निकालनी है ताकि इसकी जो सेंटर पार्ट है ये नंगा रहे ऊपर से, क्योंकि ऊपर से धूप पड़ेगी तो इसकी ग्रोथ भी बढ़िया होती है। और दूसरा, इसमें कीट पतंगे नहीं छुप सकते, वो सबसे बड़ा कारण होता है कीट पतंगों को शेल्टर देना और वो अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट कर दे। शेड में वो कर सकते हैं, लेकिन जब धूप पड़ती है सिर के ऊपर फिर नहीं कर सकते। जो 3 ब्रांचेस का मैं आपको फार्मूला बता रहा था, पहले 3 चलने देनी है, उसके बाद आपने 2 चलने देनी है ऐसे। तो ये फार्मूला आपने सारी उम्र मेंटेन करके रखना है, और इसकी हाइट भी आपने मेंटेन करके रखनी है। रीज़न बीइंग, आप अगर ज़्यादा इसको फैलने देंगे तो फिर आपको लेबर ज़्यादा लगेगी, लेबर बहुत कॉस्टली है। तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी में आपने खुद ही काम करना है, खुद ही मेहनत करो, तब 4 पैसे बचेंगे। अगर मैनुअल लेबर लगाएंगे तो फिर पैसे बचने के आसार बहुत कम हो जाएंगे, सारा पैसा उधर चला जाता है। तो ये खास ध्यान रखना पड़ता है, कोई भी आप बिज़नेस करें या ऐसी कमर्शियल क्रॉप्स लगाएं खेतों में। इस टाइम इसकी हाइट जो है वो मैंने तकरीबन रखी है 6 और 7 फीट के बीच में, तो आई एम ऑलमोस्ट 6 फुट। तो 6 और 7 फुट के बीच में ये मैंने प्रून किया हुआ है इसको। लास्ट ईयर जैसे ही फल ख़त्म हुआ था अगस्त एंड में, एक तो प्रूनिंग तब की थी और उसके बाद प्रूनिंग की मैंने अक्टूबर में। तो हाइट इसकी मेंटेन करनी पड़ती है अल्ट्रा हाई डेंसिटी में। ये आम्रपाली का पौधा आप ऐसे देख सकते हैं, इसको और डिटेल्स में थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ आप लोगों को। जड़ के पास से हमेशा साफ़ सुथरा रखना है ताकि कोई भी कीट पतंगा उसमें अपना घर ना बना सके। ऐसे इसकी ग्रोथ होती है, 2.5 वर्ष से ऊपर का पौधा हो चुका है, बहुत बढ़िया ग्रोथ चल रही है इसकी। ऑलराइट दोस्तों, और कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें मेरे से, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को जवाब देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।